नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। मागाधाणी की शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे ने कई जन समस्याओं को सुनने के बाद उनका निपटारा भी तुरंत कर दिया, जबकि कुछ समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। मागाधाणी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े तमाम रहवासियों ने अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं से अवगत कराया, जिससे अवगत होने के बाद शिवसेना विधायक प्रकाश दादा सुर्वे ने कुछ समस्याओं को तुरंत हल किया और समस्याओं को जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया। मेट्रो मुंबई से बातचीत में उन्होंने बताया कि एसआरए की समस्याओं से जुड़ी तमाम बातों को हमने यहां विधायक जी के सामने रखा। उन्होंने पहले ही हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल किया है, आगे भी बहुत सारी समस्याओं को उनके माध्यम से हल करवाने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके वार्ड की समस्याएं क्या हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पे प्रकाश दादा सुर्वे के ऑफिस में यहाँ पे सब लोग आए हैं, तो बारी बारी से हम जानेंगे कि उनके वार्ड की क्या समस्याएं हैं, जनता को शिवसेना अपने माध्यम से किस प्रकार से राहत दिला पाएगी। तो सबसे पहले सर आपसे जानेंगे कि आपके यहाँ वार्ड का नाम विलास राउत है, मैं बोरुली पश्चिम में एक्सर डोंगरी शिवशक्ति सोसाइटी में रहता हूँ। हमारे परिसर का विभाग एसआर में है और उसके जो विकासक है मंगेश सावन, उन्होंने 15 साल से एक्सर डोंगरी जो प्रोजेक्ट लिया है उसमें से सिर्फ दो बिल्डिंग बनाई है और दो बिल्डिंग अन्य तरह से बनाई, और लोगों की इतनी समस्या है एसआर होने के कारण, वहाँ पीने के पानी की समस्या है, लोगों को चलने के लिए ठीक से रास्ते नहीं है, और जो विकासक की जो दादागिरी है वो इतनी बढ़ गई है कि सभी पदाधिकारियों को धमका के हुए कि ये प्रोजेक्ट और किसी को देने का नहीं, मैं ही करने वाला हूँ, इसके लिए वो उसकी दादागिरी चल रही है और किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और उसी संदर्भ में हम लोग प्रकाश दादा सुर्वे जी जो आमदार है उनके पास हम मदद के लिए आए कि आप इस एसआरए के बाबत में आप कुछ तो हमें हमारी मदद कीजिए। आमचं वार्ड क्रमांक 12 आहे, जुना वार्ड क्रमांक आमचं 11 होतं, आता 12 झालेलं आहे। आमच्या वार्डमध्ये पण एसआरएच्या बरेचसे समस्या आहेत। 18-20 वर्षापूर्वी राणे बिल्डर आमच्याकडे आले, त्यांनी अजून लोकांना पूर्ण न्याय दिलेला नाही। आता थोडंफार आशापुरा आहे, आशापुरामधून पण एक बिल्डिंग झालेली आहे, आता त्या ठिकाणी पण आमच्या काही झोपडपट्ट्या आहेत, ते पण बरीच वर्ष होत नव्हतं, आम्हाला न्याय मिळत नव्हता। आता आमच्या दादा प्रकाश सुर्वे आमदार झाल्यापासून त्यांनी त्या ठिकाणी लक्ष घातलेलं आहे, तर त्या ठिकाणी आता ते एसआरएचं काम चालू आहे। यापूर्वी आमच्या विभागामध्ये जो रोड आहे गेली 35 वर्ष तो तसाच आहे, त्याचं रुंदीकरण कुठल्याही नगरसेवकाने, कुठल्याही आमदारने, कुठल्याही खासदारने केलेलं नाही। त्या ठिकाणी पाहिजे ते ॲम्ब्युलन्स जाऊ शकत नाही, कुठे अग्निशमन दलच्या गाड्या जाऊ शकत, अशी परिस्थिती 35 वर्षापासून आहे। बऱ्याच शौचालयाच्या सुविधा होत्या, दादा आमचे आमदार झाल्यापासून 2-2.5 वर्षांमध्ये त्यांनी ठराविक ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी शौचालय बांधलेले आहेत। निश्चित तौर पर हम उनके साथ है। उन्होंने मेट्रो मुंबई से सीधी बातचीत की और कहा, शौचालय, गटर, पानी, स्वच्छता की तमाम बातों के संबंध में हमने यहाँ विधायक जी से बात की है। कुछ समस्याओं का हल हो गया है और कुछ है जिनका हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा, ऐसा स्पष्ट आश्वासन मिला है। तो वहाँ पर हम लोगों ने एसआरए लाया, वहाँ पर बहुत अड़चन आए थे, तो वो टाइम पे हम उनके पास गए, उन्होंने ऐसे ही मदद किया, जैसे अभी एक्सर डोंगरी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी तरह हमें मदद किया। वहाँ पर जैसे हमारे प्रकाश सुर्वे दादा आए तो हमारे हर अड़चन दूर हो गए, और वहाँ पर आज एसआरए सब सलम झोपड़ापट्टी तोड़ के वहाँ पर आज 3 बिल्डिंग खड़े हो गए, वो भी हमारे प्रकाश सुर्वे दादा की वजह से हुआ। वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो हमारे प्रकाश सुर्वे दादा ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और अभी 3 नंबर वार्ड से खेत की बड़े, जब से आमदार बन गए तो हर चीज़ का, हर लोगों को मिलना, उनके पास जाना, उनकी क्या दुख है, उन हर चीज़ को उनको जाकर मिलकर उन्हें जो भी अगर दुख रहता है उनके समस्या दूर करते हैं, और ऐसा आमदार हमें दोबारा मिलता है, और इसी तरह हमारा आमदार रहेगा तो लोगों का काम होता रहेगा। देखा हमने शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं से उनके वार्डों की समस्या कहाँ से आए थे, उनकी क्या क्या समस्या है, किसी की एसआरए ले को मतलब इसको इस विषय को लेकर के समस्याएं थी, किसी को पानी की और सारे जो प्रॉब्लम होते हैं उन प्रॉब्लम को लेकर के विधायक जी के पास ये लोग आए थे और पूरा आश्वासन यहाँ से दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन नवनीत दुबे के साथ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई से केतकीपाड़ा के रहवासियों ने बातचीत के दौरान बताया कि यहाँ की तमाम समस्याओं का हल प्रकाश दादा सुर्वे के माध्यम से दूर किया जा रहा है। आ रही है खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।